हेलो माय यूट्यूब फैमिली, यार कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि अपने मोबाइल की फ़ोटो को CV एडिटिंग किस प्रकार किया जाता है, और गाइस वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो स्क्रीन में देख सकते हो कुछ इस टाइप का हम CV फोटो एडिटिंग करेंगे। देख सकते हो गाइस फोटो को जूम करके फोटो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जो हमारा रियल फोटो है उसको भी आपको देख सकते हो कितना बेकार सा फोटो लग रहा है। गाइस इस फोटो को हमने कुछ इस प्रकार से बना दिया है, तो ऐसा फोटो आप ही बना सकते हो गैस, अपने मोबाइल की फोटो को CV एडिटिंग कर सकते हो। कैसे, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को आपको बिना स्किप हुए फुल वॉच करना होगा। तो गैस आप भी इस प्रकार का CV फोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा गैस, अगर YouTube चैनल में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास में घंटे के आइकन को भी ऑल में सेलेक्ट कर देना, ताकि मैं इस प्रकार की एडिटिंग वीडियो डालूं तो सबके पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो सबके पहले आपको जो मेरा रियल फोटो है उसको सेलेक्ट कर देना है। गैलरी में से सेलेक्ट करने के बाद इसको शेयर कर लेना आपको स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से मैं शेयर कर लेता हूँ फटाक से। तो ये ऐप्स आपको गाइस प्ले स्टोर में मिल जाएगा। मैं जो भी ऐप्स यूज़ करूँगा ना उसको मैं बता दूंगा आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो इसमें जैसे शेयर कर लेते हैं आप, तो यहाँ पर आपको देने मिलेगा टूल्स वाला आइकन। तो मैं चिन्ह लगा दूँ टूल्स वाला आइकन, ठीक है। टूल्स वाला आइकन जैसे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर मिलेगा सेलेक्टिव। तो सेलेक्टिव में क्लिक कर देना है मेरे भाइयों। सेलेक्टिव में जैसे क्लिक करोगे ना आप, प्लस वाला आइकन बन जाएगा नीचे की तरफ। तो प्लस वाला आइकन में जैसे क्लिक करके इस प्रकार ब्लैक सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट में ये ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना आपको, इसको बढ़ा लेना है, ठीक है मेरे। इसको जैसे बढ़ाओगे ना हमारे पेज के ऊपर कितना अच्छा चमक आ चुका है, तो इसको बढ़ा लेना है आपको 80+ कर देना है, ठीक है मेरे भाई। और नीचे फिर से प्लस में क्लिक करके नीचे, और जहाँ ब्लैक ब्लैक है इस प्रकार इसको छोटा करके इस प्रकार ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है, ठीक है मेरे भाई। फिर प्लस में क्लिक करके जहाँ ब्लैक ब्लैक है ना इस प्रकार प्लस को रख के इसको छुटा करके, और इस प्रकार ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है, ठीक है ना। इतना हो जाने के बाद फाइनली यहाँ से आपको राइट कर देना है, राइट वाला आइकन है, ठीक है मेरे भाई। राइट करने के बाद जूम करके देखते हो बिफोर एंड आफ्टर। इतना हो जाने के बाद आपको फिर से टूल्स में जाना है, ठीक है। टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स वाला ऑप्शन मिलेगा। डिटेल्स में क्लिक करना, इसके नीचे शार्पिंग इसको इंक्रीज कर लेना गाइस, आपको इसको बढ़ा लेना है आपको 50+ कर देना है, ठीक है मेरे भाई। इतना हो जाने के बाद फाइनली यहाँ से राइट कर देना है आपको, ठीक है। राइट करने के बाद आपको शेयर कर लेना है इस फोटो को फोटो रूम एप्स के अंदर, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि गाइस हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, तो आपको शेयर कर लेना है फोटो रूम एप्स के अंदर। शेयर करने से पहले मैं डेटा ऑन कर लेता हूँ, डेटा ऑन है गाइस, तो आपको इसके अंदर शेयर कर लेना है। ये एप्स आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा फोटो रूम। तो इसमें आप जैसे शेयर कर लेते हैं फोटो को वहाँ से, तो कुछ इस प्रकार से लाइन आएगी, तो ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड को रिमूव कर देती है गाइस। तो देख लेना अभी एंड तक वीडियो को, तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो गाइस, कुछ इस प्रकार से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से गाइस। तो आपके सामने तीन ऑप्शन, तीन फोटो देने मिलेंगे, सॉरी गाइस। तो इनमें से आपको जो ये लास्ट लाई हुई फोटो ने ये सेलेक्ट कर देना है आपको, ठीक है भाई। सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ आपको देने मिलेगा तीर वाला आइकन। तीर वाला आइकन में क्लिक कर देना है, और इसको यहाँ से सेव कर लेना है, ये गैलरी में सेव हो जाएगा। तो यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, और आपको यहाँ से PicsArt एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। PicsArt एप्लीकेशन ये ऐप्स आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। इसको जैसे ओपन कर लेते हैं हम, तो आपको प्लस वाला आइकन देने मिलेगा, तो प्लस वाला आइकन में क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पर जाना है ऐड फोटो में। तो यहाँ पर जाने के बाद गाइस यहाँ से मैं बैकग्राउंड को ले लेता हूँ, तो सब कुछ मैं इसी वीडियो में बता दूंगा आपको बैकग्राउंड कहाँ से डाउनलोड करना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करने का मेरे भाई, ठीक है। तो बैकग्राउंड को लेने के बाद गाइस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है टूल्स वाला आइकन में, ठीक है। टूल्स वाला आइकन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देने मिलेगा क्रॉप वाला, तो क्रॉप में क्लिक कर देना है। क्रॉप में क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, तो इस प्रकार इसकी साइज को मैं थोड़ा बहुत छोटा कर लेता हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो आपको इस प्रकार कर देना है, और यहाँ से फाइनली राइट कर। तो गाइस इतना हो जाने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको स्क्रॉल करना है इधर, और आपको यहाँ पर देने मिलेगा ऐड फोटो। क्या है गाइस ऐड फोटो, तो ऐड फोटो में आपको क्लिक कर देना है। ऐड फोटो में क्लिक करने के बाद हमने जिस बैकग्राउंड को, जिस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव किया था ना, उसको यहाँ से ऐड कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। ऐड करने के बाद इसको इस प्रकार से सेट कर लेना आपको सही तरीके से। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, इसको बड़ा कर लेता हूँ इस प्रकार, और इसको इस प्रकार सेट कर लेता हूँ। देखते हो गाइस कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको अच्छी तरीके से सेट कर लेना है, और आपको यहाँ पर राइट में क्लिक कर देना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर राइट में क्लिक कर देना है, और इसको मैं थोड़ा बहुत क्रॉप कर लेता हूँ और गाइस बैकग्राउंड को। तो स्क्रॉल करना है इधर, और आपको यहाँ पर देने मिलेगा फिर से टूल्स वाला आइकन। तो टूल्स में जाना है आपको, टूल्स में जाने के बाद आपको फिर से यहाँ से क्रोम में क्लिक कर देना है, ठीक है मेरे भाई। क्रोम में क्लिक करने के बाद गाइस ये हमारे जो पेड़ कट रहे हैं ना, तो इस पर यहाँ पर मैं रख लेता हूँ इसको, और इस प्रकार इधर से भी छोटा कर लेता हूँ। करने के बाद में फाइनली गाइस यहाँ से आपको राइट कर देना है, ठीक है।
राइट करने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इस फोटो को यहाँ से डाउनलोड कर देना है, ठीक है मेरे भाइयों। तो गाइस हमारा फोटो डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड होने के बाद आपको फिर से यहाँ से आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है गाइस, यहाँ से आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन को, ठीक है मेरे भाई। ये ऐप्स आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, मैंने बताया दिया आपके लिए। तो इसको आप जैसे ओपन करोगे आपके सामने यहाँ पर देने मिलेगा प्लस वाला आइकन, तो प्लस वाला आइकन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने गैलरी आ जाएगी, तो यहाँ से अपना जो फोटो है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने फाइनली फोटो ले लिया है, लेने के बाद आपको यहाँ पर देने मिलेगा टूल्स वाला आइकन, टूल्स में जाना है आपको। टूल्स में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है ट्यून मैजिक, ट्यून मैजिक में क्लिक करने के बाद फर्स्ट में ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस को इस प्रकार कर लेना है आपको गाइस, 14 प्लस कर देना है इसको, ठीक है मेरे भाई, 14 कर लेना है। और इसके नीचे कंट्रास्ट हो, कंट्रास्ट को कुछ नहीं करना, और इसके नीचे सैचुरेशन तो इसको इंक्रीज कर लेना है आपको 30 प्लस, और इसके नीचे आ जाना है और इसको बढ़ा लेना है आपको 33 प्लस, ठीक है। और इसके नीचे हाईलाइट को कुछ नहीं करना, और शेडोज को आपको हल्का सा बढ़ा लेना है 35 प्लस कर देना है। इतना हो जाने के बाद यहाँ से राइट कर देना, राइट वाला आइकन देने मिलेगा आपको कोने में। राइट करने के बाद गाइस आपको यहाँ से टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्टिव, सेलेक्टिव में क्लिक कर देना है, और जो प्लस वाला आइकन है इसको आपको कपड़ों में रख लेना है, और इस प्रकार बढ़ा कर देना, और नीचे नीचे आ जाना है और इसको इस प्रकार बढ़ा लेना है, ठीक है मेरे भाई। और बढ़ाने के बाद फिर सर्चुअल इसको इंक्रीज कर लेना है आपको, इसको जैसे इंक्रीज करोगे ना हमारे कपड़ों में चमक आ जाएगी, तो इसको इस प्रकार बढ़ा लेना है, ठीक है मेरे भाई। रखने के बाद फाइनली यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना है, राइट में क्लिक करने के बाद आपको टूल्स में क्लिक कर देना है फिर से, ठीक है मेरे भाई। टूल्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने में मिलेगा डिटेल्स, डिटेल्स में जाना और नीचे करना शार्पिंग को इंक्रीज कर लेना है आपको हल्का सा 50 प्लस कर देना है, ठीक है मेरे भाई। करने के बाद फाइनली यहाँ से राइट कर देना है, राइट करने के बाद आपको टूल्स में जाना है फिर से, टूल्स में जाने के बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है, आने के बाद यहाँ पर देखने में मिलेगा पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट में क्लिक कर देना है, ठीक है। पोर्ट्रेट में जैसे क्लिक करोगे ना आपको सामने मिलेगा फर्स्ट में फेस, तो इसको कुछ नहीं करना, नीचे स्किन इसको कुछ नहीं करना, इसके नीचे आ जाए क्लैरिटी, तो इसको इंक्रीज कर लेना है गाइस। इसको हम जैसे बढ़ा रहे हैं आंखों में किसे चमक आ रहा है, जूम करके देखते हो आंखों में चमक आ रहा है ना, तो इसको रख लेना है गाइस, आपको चित्र प्लस कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ से राइट कर देना है, ठीक है। राइट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा गाइस, यहाँ आपको देने मिलेगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है मैंने। एक्सपोर्ट में जैसे क्लिक करोगे आपको शेयर में क्लिक कर लेना है, और इस फोटो को आपको शेयर कर लेना है आपको स्केचबुक के अंदर, ठीक है मेरे भाई। तो जैसे हमारा फोटो स्केचबुक के अंदर आ जाता है ना गाइस, तो जूम कर लेना, और यहाँ आप हेयर स्टाइल देख सकते हो, पेस देख सकते हो, बहुत ही ख़राब सा लग रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाना है आपको, ठीक है मेरे भाई। जाने के बाद आपको लाइब्रेरी ओपन कर लेना है, अभी लाइब्रेरी ओपन है तो लाइब्रेरी ओपन कर लेना है, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पर देने मिलेगा कुछ इस टाइप से ब्रश, स्मूथ भी लिख रहा है गाइस यहाँ आपको, ठीक है। तो इनमें से आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर देना है, मैं चिन लगा रहा हूँ, ठीक है ये वाला। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेटिंग में क्लिक कर देना है। तो गाइस इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि आपको पेज स्मूथ करने में दिक्कत नहीं हो मेरे भाइयों। तो इसको रख लेना 5, इसको रख लेना 4, और जो ऊपरी ऊपर वाला है इसको रख लेना है आपको, इसको 20 पॉइंट कर देना है, ठीक है मेरा 20 पॉइंट कर लेना है। यहाँ से पकड़ कर लाइन को 20 पॉइंट करने के बाद यहाँ से कट कर देना है, और जूम कर लेना, और कुछ इस प्रकार से स्मूथ कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। सेटिंग को कम ज़्यादा कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस प्रकार स्मूथ हो रहा है ना, इस प्रकार स्मूथ कर लेना है। तो मैं सेटिंग को यहाँ से कम कर लेता हूँ ऊपर जाके, तो आप भी कम कर लेना है, ठीक है। और इस प्रकार स्मूथ कर लेना है चित्र से, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ स्मूथ, तो आपको इस प्रकार स्मूथ कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों स्मूथ करने के बाद कुछ इस टाइप से हमारा पेस हो जाएगा। होने के बाद फाइनली आपको क्या करना है, हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल करने के लिए आपको यहाँ जाना है फिर से, ठीक है मेरे भाइयों। जाने के बाद आपको लाइब्रेरी ओपन कर लेना है, ठीक है। अभी सेटिंग ओपन है, तो आपको लाइब्रेरी ओपन कर लेना है। जैसे आप लाइब्रेरी ओपन करोगे ना गाइस, हमने जिस ब्रश के पास स्मूथ वाला ब्रश है ना, इसके पास एक ब्रश हो रही है इसके पास में जस्ट, इसको ले लेना है। लेने के बाद आपको यहाँ से सेटिंग में क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सही से समझ लेना है, ठीक है गाइस। इसको 14 रख लेना, और इसको 41, और जो ऊपर पर वाला है गाइस इसको बढ़ा लेना है आपको, इसको रख लेना है आपको 15 पॉइंट, और ऐसे कट करके और कुछ इस प्रकार से रोटेट कर लेना है अपने फोटो को, इस प्रकार कैसे करो, और इस प्रकार हेयर के ऊपर ब्रश को चला लेना है, देखते हो गाइस कुछ इस प्रकार से।
गाइस हमारा फोटो आ चुका है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। आपको स्क्रॉल करना है इधर और आपको यहाँ से कलर में जाना है, ठीक है मेरे भाई। कलर वाला जो टूल्स है इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देने मिलेगा मिक्स, मिक्स में आपको क्लिक कर देना है। मिक्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से तीन वाला जो येलो कलर है सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको आपको इधर कर देना है 34 माइनस और स्क्रीन वाले को प्लस कर देना है, ठीक है। इसको जैसे करोगे ना हमारे बैकग्राउंड है इसके ऊपर कलर आ जाएगा बहुत अच्छा, तो इसको शो रख लेना है और इसके ऊपर वाले को 34 माइनस कर लेना है, ठीक है। और आपको नीचे दूसरा नंबर जो कलर है ये भी सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे वाली लाइन इसको आपको हल्का सा माइनस करना है 26 और इसके नीचे वाले इसको आपको बढ़ा लेना है, ठीक है मेरे भाई। इसको जैसे बढ़ाते हमारे पेज के ऊपर चमक आ जाएगी, तो इसको 26 प्लस कर देना है और इसके ऊपर वाले को 26 माइनस, ठीक है। रखने के बाद आपको फाइनली ये वाला कलर सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे वाले इसको इंक्रीज़ कर लेना है। इसको जैसे इंक्रीज़ करोगे हमारे कपड़ों के ऊपर चमक आ जाएगी, ठीक है। तो इसको 50 प्लस कर देना है, ठीक है। इस प्रकार लाइन को पकड़ कर आप 50 प्लस कर देना है, ठीक है। रखने के बाद आपको यहाँ से डन कर देना है, स्क्रॉल करना फिर नीचे और यहाँ आपको नीचे वाला लाइन इसको इंक्रीज़ कर लेना है आपको 10 प्लस और इसके ऊपर वाला लाइन इसको 19 प्लस कर देना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से हम बैक आ जाएंगे और देख सकते हो गाइस ज़ूम करके बिफोर एंड आफ्टर। इतना हो जाने के बाद फाइनली आपको यहाँ से डिटेल्स में जाना है। डिटेल्स में जाने के बाद फर्स्ट में शार्पिंग, तो शार्पिंग को इंक्रीज कर लेना है 25 प्लस और स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। आने के बाद ऊपर से 30 नंबर में देने मिलेगा कलर नहीं हुआ, इसको बढ़ा लेना है आपको 23 प्लस और इसके नीचे डिटेल्स और स्मूथ दोनों को 100 रख लेना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको फाइनली कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस फोटो को यहाँ से शेयर वाला आइकन में क्लिक कर देना है, ठीक है मेरे। शेयर वाला आइकन में क्लिक करके इसको स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर फिर से शेयर कर लेना है। तो दोस्तों फिर से आ चुका है हमारा फोटो स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। आने के बाद आपको यहाँ से टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपको फिर से यहाँ से सेलेक्टिव में क्लिक कर देना और इस प्रकार प्लस वाला आइकन बना लेना है अपने फेस के ऊपर, उसको छोटा कर लेना है और इस प्रकार ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है। देखो ब्राइटनेस को बढ़ाओगे ना हमारे चेहरे के ऊपर कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है, तो इसको ब्राइटनेस को हल्का सा इंक्रीज कर लेना और फिर प्लस में क्लिक करना और जहाँ ब्लैक है ना इस प्रकार इसको छोटा करके इस प्रकार बढ़ा लेना है, ठीक है मेरे भाई। रखने के बाद फाइनल यहाँ से डन कर देना है। डन करने तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद देखते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो इस फोटो को आपको शेयर कर लेना है यहाँ से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से मैं शेयर कर लेता हूँ, PNG ऐड करेंगे गाइस, तो उसके अंदर आपको फोटो को शेयर कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। इसके अंदर जैसे फोटो को शेयर कर लेता आप स्क्रॉल करना है इधर और आपको यहाँ पर देना होगा ऐड फोटो में जाना है और मैं PNG को ले लेता हूँ फटाफट से। तो फाइनली दोस्तों ये दो PNG किस प्रकार ऐड करना है, इस PNG को तो यहाँ आपको सेट कर लेना है, ठीक है। सेट करने के बाद जो ये फूल वाला PNG है इसको आपको इस प्रकार यहाँ हाथ में सेट कर लेना है, इस प्रकार यहाँ रख लेना है इस प्रकार, ठीक है। रखने के बाद आपको यहाँ पर इरेज वाला ऑप्शन देने मिलेगा ऊपर की तरफ, इरेज में जाना है आपको, ठीक है। इरेज में जाने के बाद आपको तीसरा नंबर वाला जो इरेज है ये सेलेक्ट कर देना है, मैं चिल्ह लगा दूँ ये वाला इरेज। सेलेक्ट करने के बाद आपको जूम कर लेना और कुछ इस प्रकार से जो है ना एक्स्ट्रा पार्ट इसको इरेज कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। ऐसा लगे कि फूल को पकड़ रखा है, ठीक है, इस प्रकार कर लेना। देखते हो गाइस कुछ इस टाइप से हो जाएगा। होने के बाद फाइनली यहाँ से आपको राइट कर देना है, ठीक है। राइट करने के बाद स्क्रॉल करना इधर आ जाना है। आने के बाद आपको कुछ इस टाइप से ऑप्शन देखने मिलेगा, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करना इधर और आपको यहाँ पर देना होगा स्क्रीन टूल, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से फर्स्ट टूल जो ये कलर है ये सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। फर्स्ट में जो कलर है ये सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ऑटो में क्लिक कर देना है, ठीक है मेरा। ऑटो में क्लिक करने के बाद ये लाइन इसको आपको कम कर देना है, ठीक है। देख सकते हो पेज में चमक आ रहा है, तो इसको आपको 41 प्लस कर देना है और यहाँ से फाइनली आपको राइट कर देना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से राइट कर देना है और देख सकते हो गाइस कुछ इस टाइप से हमारा फोटो हो जाएगा बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है मेरे भाई। कुछ इस टाइप से होने के बाद आपको यहाँ से डाउनलोड कर देना है, गैलरी में सेव हो जाएगा। तो बाकी गाइस अभी PNG कहाँ से डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आपको फ्री में बैकग्राउंड डाउनलोड करना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना गाइस और इसी वीडियो देने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो वीडियो फुल आज करने के, थैंक यू सो मच गाइस। तो मिलते हैं इस वीडियो में, जब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।